हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएच फैशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन सिखाने वाली हूँ, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। बनाने में बहुत आसान है ये डिज़ाइन और देखने में बहुत प्रिटी लग रहा है। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट पर बना सकते हो अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले आपके साथ छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, वीडियो अगर पसंद आएगी, डिज़ाइन अगर पसंद आएगा, तो मेक श्योर आपने वीडियो को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, ठीक है, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप कोई भी मेरी डिज़ाइन की वीडियो मिस ना कर पाओ, और अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। राइट साइड से देखिए हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिख रहा है, और रॉन्ग साइड से देखिए हमारा ये जो डिज़ाइन है कुछ इस तरह से दिख रहा है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपने 10 के मल्टीपल में फंदे रखने हैं, जमा आपको बाद में इसमें 1 कर लेना है। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर 21 स्टिचेस फंदों में मैं आपको डाल करके बताऊँगी ये डिज़ाइन, 21 फंदों में मैं डिज़ाइन डाल करके बताऊँगी, 10 से गुणा करके 20 और जमा उसमें करके 21 फंदे मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं बताऊंगी। सो चलिए अब इसको बुनाई करना स्टार्ट करते हैं। अब आप देख सकते हो मैंने 21 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं, ठीक है, 10 से गुणा करके 20 और प्लस उसमें 1 करके 21 फंदे मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं। सो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, तभी जो डिजाइन है आपको अच्छे से समझ में आए। तो रो 1 राइट साइड से पहली रो सीधी तरफ से ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे। पहला फंदा सीधा उतारा, धागा अपनी तरफ करेंगे, 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, देखिए 4 फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बना लिए, धागा पीछे करेंगे। अब आगे वाला जो एक फंदा है, ठीक है, इससे एक से हमने 3 फंदे बनाने हैं। एक बार इसको सीधा बुनाई किया, धागे को घुमाएंगे, अगेन इसको सीधा बुनाई करेंगे, हमने एक से 3 फंदे बना लिए। अब यहाँ से हम अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक से हमने 1 से 3 फंदे बनाए, अब 9 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, ठीक है। अब देखिए शुरू के जो 5 फंदे हैं इनको हम छोड़ देंगे, और यहां से लेके यहां तक हम यही रिपीट करेंगे। क्या रिपीट करना है, 1 से 3 फंदे बनाने हैं और 9 फंदे उल्टे बनाने हैं। तो लास्ट में भी देखिए 1 से पहले 3 फंदे बनाए और धागा अपनी तरफ करेंगे, 4 फंदे उल्टे, 2, 3, 4, और लास्ट के फंदे को हमने सीधा बुनाई कर लेना है। ये हो गई हमारी ऊपर रॉन्ग साइड से दूसरी रो उल्टी तरफ से। ध्यान से देखिएगा पहला फंदा यहाँ पे उल्टा उतारा, अब क्या करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1, 2, ठीक है, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2, धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे उल्टे, जो हमने 8 से 3 फंदे बनाए थे वो तीनों फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, धागा पीछे करना है, 2 फंदे फिर से सीधे बनाने हैं, धागा अपनी तरफ करेंगे, 5 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए यहाँ पे शुरू के जो 3 फंदे हैं इनको छोड़ देंगे और यहां से लेके हम यहां तक फिर से अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। यही हमने रिपीट करना है। क्या रिपीट करना है, 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, जो 1 से 3 बनाए थे, 2 फंदे सीधे और 5 फंदे उल्टे। इसी तरह से हमने रो कंप्लीट करनी है, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे और उसके बाद 5 फंदे उल्टे। इसी तरह से हमने पूरी रो ये कंप्लीट करनी है। लास्ट में देखिए हमने ये तीनों फंदे उल्टे बुनाई कर लेने हैं। 2 हमारे डिजाइन के हैं और 1 हमारा एज स्टिच है। रो 3 पर राइट साइड से थर्ड रो सीधी तरफ से ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे। पहला फंदा सीधा उतारा, ठीक है, धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1, 2, अब धागा आगे ही रहेगा। आगे वाले जो 2 फंदे हैं जो हम पिछली रो में उल्टे बनाई कर रहे थे, इन दोनों को हमने इकट्ठा 2 का एक करना है, उल्टा बुनाई कर लेना है, धागा पीछे करेंगे। अब 1 से जो 3 फंदे बनाए थे उसमें 1 फंदे को सीधा बनाएंगे, धागे को घुमाएंगे, 1 फंदा फिर से सीधा बनाएंगे, फिर से धागे को घुमाएंगे, 1 फंदा सीधा बनाएंगे। तो ये हमारे 3 से 5 फंदे यहाँ पे हो गए। धागा अपनी तरफ लाएंगे और इन दोनों फंदों को 2 का एक कर लेंगे आगे की तरफ से, ठीक है, फिर 5 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5।
आप देखिए ये शुरू के 3 फंदे छोड़ देंगे और यहां से लेके यहां तक हम फिर से अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। क्या रिपीट करना है, 2 फंदों को एक साथ उल्टा बुनाई करेंगे, 2 का एक करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा, धागे को घुमाया, फिर एक फंदा सीधा, फिर धागे को घुमाया, फिर एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदों को एक साथ उल्टा बनाएंगे और फिर 5 फंदे उल्टे। इसी तरह से हमने सारी रो कंप्लीट करनी है। लास्ट में 3 फंदे बचेंगे, 2 हमारे उल्टे बनेंगे और लास्ट के फंदे को हमने सीधा बुनाई कर लेना है। अब आ जाइए रो 4 पर, रॉन्ग साइड से 4th रो उल्टी तरफ से क्या करेंगे, यहाँ पे पहले फंदे को सीधा उतारा, ठीक है, अब यहाँ पे 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 5 फंदे उल्टे, 1 2, जो हमने 3 से 5 फंदे बनाए थे उन 5ों को हमने उल्टा बुनाई कर लेना है, 5, फिर एक फंदा सीधा, ठीक है, धागा अपनी तरफ, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, धागा पीछे। अब यहाँ पे देखिए ये जो 3 फंदे इनको छोड़ देंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक हम फिर से अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एक फंदा सीधा बुनाई करेंगे, धागा अपनी तरफ, 5 फंदे उल्टे बुनाई करेंगे, 2 3 4 5, धागा पीछे, एक फंदा सीधा और धागा आगे करके 5 फंदे उल्टे। लास्ट में हमारे पास 3 फंदे बचेंगे, 2 हमारे उल्टे बनेंगे और लास्ट के फंदे को भी हमने उल्टा बुनाई कर लेना है। जाइए रो 5 पर, राइट साइड से 5वीं रो सीधी तरफ से, ध्यान से देखिए क्या करेंगे, पहला फंदा सीधा उतारा, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनाई करेंगे, एक फंदा और उल्टा बुनाई करेंगे, 3 फंदे हमने उल्टे बुनाई कर लिए, धागा पीछे, अब जो आगे हमने 5 फंदे बनाए थे, ठीक है, उसमें पहले फंदे को सीधा बनाया, फिर यहाँ पे जाली डालेंगे, जाली डालने के लिए धागे को घुमाया, फिर 3 फंदे सीधे, फिर जाली डालेंगे, फिर एक फंदा सीधा, ठीक है, धागा अपनी तरफ करेंगे, अब यहाँ पे हमने 7 फंदे उल्टे बुनाई करने हैं, 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर आप देख सकते हो शुरू का जो ये 4 फंदे हैं इनको छोड़ देंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक हम फिर से अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, यही रिपीट हमने करते जाना है। तो देखिए क्या रिपीट करना है, पहले हमने एक फंदा सीधा, धागे को घुमाया, 3 फंदे सीधे, 2 3, फिर धागे को घुमाया, एक फंदा सीधा, ठीक है, धागा अपनी तरफ ला के, फिर उसके बाद 7 फंदे उल्टे बनेंगे, लास्ट में हमारे पास ये 4 फंदे बचेंगे, 3 हमारे डिजाइन के उल्टे बनेंगे और एज स्टिच हमने पूरा सीधा बुनाई कर लेना है, ठीक है। ये हो गई हमारी रो 5 राइट साइड से। अब आ जाइए रो 6 पर रॉन्ग साइड से, तो इसमें पहले फंदे को उल्टा उतारा, अब 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 2 फंदे यहाँ पे हमने उल्टे बनाए, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, धागा पीछे, एक फंदा उल्टा, धागा आगे, 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7। एक और बात, इसी रो की तरह आपको अगली, मतलब आपको रो जो 8 है वो भी इसी तरह से बनानी है, ठीक है, तो इस रो को ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ये जो शुरू के ये 7 फंदे हमने बना लिए थे, 7 फंदे हमने यहाँ पे सीधे बुनाई करने थे, 7 नहीं, सिर्फ 5 फंदे ही हमने यहाँ पे उल्टे बुनाई करने हैं, 1 2 3 4 5, सिर्फ यही 5 फंदे हमने उल्टे बुनाई करने हैं, 7 नहीं, ठीक है। अब ये शुरू के जो 3 फंदे हैं इनको छोड़ देंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक हम फिर से अपने रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, एक फंदा हमने सीधा बुनाई किया, 5 फंदे हमने उल्टे बुनाई किए, फिर एक फंदा सीधा बुनाई किया, फिर 5 फंदे उल्टे बुनाई किए, तो यही हमने पूरी रो में रिपीट करते जाना है। ये देखिए एक फंदा सीधा, और 8 रो में भी सेम आपने सेम तरीके से 8 रो भी बनानी है, ठीक है, 7 फंदे उल्टे, 3 4 5 6 7, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे करके 5 फंदे उल्टे, लास्ट में बचेंगे 3 फंदे, तीनों हमने उल्टे बुनाई
कर लेने हैं। अब आ जाइए रो 7 पर राइट साइड से, पहला फंदा सीधा उतारा, धागा अपनी तरफ लाएंगे, 3 फंदे उल्टे बुनाई करेंगे, 1 2 3, धागा पीछे। अब 7 फंदे सीधे, 2 3 4 5 6 7, धागा अपनी तरफ, 7 फंदे उल्टे, 2 3 4 5 6 7, धागा पीछे। अब ये शुरू के जो 4 फंदे हैं इनको छोड़ देंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक हम फिर से अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। यही हमने रिपीट करना है, 7 फंदे सीधे, 3 4 5 6 7, ठीक है, धागा अपनी तरफ करेंगे और उसके बाद 7 फंदे उल्टे बनाएंगे। लास्ट में हमारे पास ये 4 फंदे बचेंगे, 3 हम उल्टे बनाएंगे और लास्ट के फंदे को हमने सीधा बुनाई कर लेना है। अब आगे वाली रो आपने रो 6 ही रिपीट करनी है। अब आ जाइए रो 9 पर राइट साइड से, ठीक है, 9वीं रो सीधी तरफ से, ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे। पहले फंदे को सीधा उतारा, धागा अपनी तरफ लाएंगे, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 2 3, धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो आगे वाले जो 3, सबसे पहले इस फंदे को हम सीधा करेंगे इस तरीके से। अब आगे वाले 3 फंदे, 1 2 3, ठीक है, इन तीनों का हमने पीछे की तरफ से एक फंदा बना लेना है, सॉरी यहाँ पे एक फंदा बुनाई कर लेंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर आगे वाले जो 3 फंदे हैं इनको फिर से हमने तीनों का एक कर लेना है, लेकिन इनको आगे की तरफ से सिलाई डालते हुए इस तरह से हमने 3 का एक कर लेना है। तो जो भी हमारे जारी डाल के फंदे बढ़ते हैं वो इस रो पे हमारे पूरे हो जाते हैं। फंदे थोड़े से टाइट होते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमने कर लिया, ये धागा आगे लाएंगे, 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, धागा पीछे। अब ये शुरू के जो 4 फंदे हैं इनको छोड़ देंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक हम फिर से अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। यही हमने पूरी रो में रिपीट करते जाना है। सबसे पहले इस फंदे को सीधा करेंगे, फिर इन तीनों फंदों का पीछे की तरफ से एक फंदा बना लेंगे, एक फंदा बना लिया, फिर बीच का फंदा सीधा। अब आगे वाले जो 3 फंदे हैं इन तीनों का फिर से 3 का एक करना है, लेकिन इस बार हमने आगे की तरफ से सिलाई डालते हुए 3 का एक करना है, ठीक है, इस तरीके से कर लिया। अब लास्ट में आपके पास 3 फंदे बचेंगे, सॉरी 4 फंदे बचेंगे, 3 हम उल्टे बनाएंगे और लास्ट के फंदे को हमने सीधा बुनाई कर लेना है। अब आ जाइए रो 10 पर रॉन्ग साइड से, तो 10 रो रॉन्ग साइड से पूरी उल्टी बुनाई करते हुए हमने कंप्लीट करनी है। ये सारी सिलाई हमारी उल्टी ही बनेंगी, तो इस तरीके से आप इस सिलाई को उल्टा बुनाई करते हुए कंप्लीट कर लीजिए। रो 11 पर राइट साइड से, 11वीं रो सीधी तरफ से, पहले फंदे को सीधा उतारा, अब देखिए यहाँ पे 9 फंदे पहले उल्टे बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बना लिए, धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पे 1 से 3 फंदे बनाएंगे, ठीक है, धागे को घुमाया और फिर से इसको सीधा बुनाई कर लिया। अब ये शुरू का एक फंदा छोड़ देंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 9 फंदे उल्टे, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, उसके बाद एक फंदे के हमने 3 फंदे बनाने हैं। लास्ट में हमारे पास ये 9 फंदे बचेंगे, इनको हमने इस तरह से उल्टा बनाने हैं, एज स्टिच को हमने सीधा बुनाई कर लेना है। अब आ जाइए रो 12 पर रॉन्ग साइड से, तो उसमें पहले फंदे को उल्टा उतारा, धागा पीछे करेंगे, 7 फंदे पहले उल्टे बुनाई कर लेंगे, 7 फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बुनाई करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, धागा पीछे, ठीक है, यहाँ से हम रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे,
ठीक है, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, पांच फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए ये जो शुरू के कितने फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको छोड़ देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक हम फिर से अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। दो फंदे सीधे, तीन फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, पांच फंदे उल्टे, इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। लास्ट में भी देखिए हमारे पास ये फंदे बचेंगे तीन, तो इन दोनों को भी हम सीधा बुनाई कर लेंगे और लास्ट के फंदे को हमने उल्टा बुनाई कर लेना। अब आ जाइए रो 13 पर, राइट साइड से 13वीं रो सीधी तरफ से, पहले फंदे को सीधा उतारा, ठीक है, धागा अपनी तरफ लाएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 3 4 5 6 7, 7 फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बनाई कर लिए, धागा आगे ही रहेगा। आगे वाले जो दो फंदे हैं, इन दोनों का आगे की तरफ से एक फंदा बनाएंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, जाली डालेंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा। तो ये हमने 3 से 5 फंदे यहाँ पे क्रिएट कर लिए, धागा अपनी तरफ लाएंगे, दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे, ठीक है। अब ये शुरू का एक फंदा छोड़ देंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक हम फिर से अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। ये शुरू के 3 फंदे छोड़ देंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक हम फिर से अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे देखिए, 1 2 3 4 5, 5 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, 2 का एक करना है, फिर 5 फंदे, 3 से हमने 5 फंदे बनाने हैं, फिर 2 का एक करना है, ठीक है। लास्ट में भी देखिए हमारे 2 3 4 5 6 7 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं लास्ट में, और लास्ट के फंदे को हमने सीधा बुनाई कर लेना है। अब आ जाइए रो 14 पर, रॉन्ग साइड से पहले फंदे को उतारा, अब यहाँ पे पहले 5 फंदे उल्टे बनाई कर लेंगे, 2 3 4 5 6 7, 7 फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बुनाई कर लिए, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, ठीक है। अब देखिए शुरू के जो 3 फंदे हैं इनको छोड़ देंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक हम फिर से अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। 5 फंदे हमने बनाने हैं उल्टे, एक फंदा बनाना है सीधा, 5 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, अब लास्ट में 3 फंदे बचेंगे, ठीक है, इनको भी हमने उल्टा बुनाई करते हुए कंप्लीट कर लेना है। अब आ जाइए रो 15 पर, राइट साइड से 15वीं रो सीधी तरफ से, ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे, पहले फंदे को उतारा, अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बनाई कर लिए, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागे को घुमाएंगे, 3 फंदे सीधे, फिर धागे को घुमाएंगे, एक फंदा सीधा, ठीक है। अब देखिए शुरू का जो एक फंदा है इसको छोड़ देंगे और यहां से लेके यहां तक हम फिर से अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। क्या रिपीट करना है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बुनाई करने हैं, फिर हमने यहाँ पे इस तरह से डिजाइन डालना है, ठीक है, ये 5 से 7 फंदे बनाने हैं, लास्ट में हमारे पास एक फंदा बचेगा, इसको हमने सीधा बुनाई कर लेना है। अब आ जाइए रो 16 पर, रॉन्ग साइड से 6ठी रो उल्टी तरफ से, तो इसमें देखिए क्या करेंगे, पहले फंदे को उल्टा उतारा, अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 7 फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बनाई कर लिए, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, धागा पीछे, एक फंदा सीधा।
तो अब देखिए ये शुरू के 3 फंदे छोड़ देंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक हम फिर से अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। फिर 7 फंदे उल्टे, फिर 1 फंदा सीधा। इसी तरीके से हम इस रो को पूरा कंप्लीट करेंगे। लास्ट में भी आपके देखिए 7 फंदे उल्टे बनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और लास्ट के फंदे को भी हमने उल्टा बुनाई कर लेना है। अब आ जाइए रो 17 पर, राइट साइड से 17वीं रो सीधी तरफ से। इसमें देखिए क्या करेंगे, पहले फंदे को उतारा, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब 8 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, धागा पीछे, 7 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अभी ये रो हमें इसी तरह से बनाएंगे, शुरू का एक फंदा छोड़कर यहाँ से लेके यहाँ तक हम फिर से अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। 8 फंदे हम उल्टे बनाएंगे और 7 फंदे हम सीधे बनाएंगे। जो आगे वाली रो है रो 18, वो आपने सेम रो 16 की तरह ही बनानी है। तो इस रो को आप कंप्लीट कर लीजिए 16 रो की तरह। तो अब आ जाइए रो 19 पर, राइट साइड से 19वीं रो सीधी तरफ से। पहले फंदे को उतारा, धागा अपनी तरफ करेंगे, 8 फंदे उल्टे बनाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 फंदे उल्टे बनाए किए, धागा पीछे ले गए। अब इस फंदे को सीधा करेंगे इस तरीके से और आगे वाले 3 फंदों का पीछे की तरफ से एक फंदा बना लेंगे। तीन का एक कर लिया, धागा पीछे पे एक फंदा सीधा। अब आगे वाले जो 3 फंदे हैं, इन तीनों का फिर से आगे की तरफ से 3 का एक करेंगे। ये हमने 3 का एक कर लिया। ठीक है, अब देखिए ये जो शुरू का एक फंदा है इसको छोड़ देंगे और यहां से लेके यहां तक हम फिर से अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। लास्ट में भी देखिए 8 फंदे हमने उल्टे बनाए करने हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और लास्ट के फंदे को हमने सीधा बुनाई कर लेना है। अब आ जाइए रो 20 पर, रॉन्ग साइड से, जो कि हमारी इस डिजाइन की लास्ट रो है। तो इस रो को पूरा हमने उल्टा बुनाई करते हुए कंप्लीट करना है। एक रो 10 हमारी यहाँ पे उल्टी बनती है और दूसरी हमारी रो 20 यहाँ पे उल्टी बनती है। तो इस तरीके से आप इस रो को पूरा कंप्लीट कर लीजिए उल्टा बुनाई करते हुए। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो रो 20 तक बनाने के बाद हमारा डिज़ाइन भी यहाँ पर ओवर हो जाता है। ठीक है, अब ये रो 20 तक हमने बुनाई कर लिया और यहाँ पर हमारा डिज़ाइन भी ओवर हो गया। अब यही 20 रो हम बनाते जाएंगे। देखिए रो 1 से लेकर रो 20 तक हम कंटिन्यू करेंगे, जितना भी डिज़ाइन डालना चाहते हो। तो इस तरीके से फिर हमारा ये डिज़ाइन बनता जाएगा। डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।